ये मुफीद होगा आपके लिए, मुफीद होगा कौम के लिए, मुफीद होगा आने वाली नस्ल के लिए, मुफीद होगा। और ये दीन से हटी बात नहीं है, अमानत ये रसूलुल्लाह की है अलैहिस्सलाम। और इस अमानत को हम तक पहुंचाया भी है सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप इस चीज पर गौर करें कि दुनिया की आबादी के लिए जरिया अल्लाह ने नस्ल इंसानी को बताया। एक शख्स हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाले सलातो व तस्लीम से अल्लाह ने इतनी बड़ी नस्ल को पैदा फरमा दिया कि कब से है ये दुनिया नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज एक माँ और एक बाप से औलाद कितने सौ और कितने हजार करोड़ है नहीं जानते। सबकी माँ एक है, सबका बाप एक है। दुनिया की बका और आबादी के लिए मसला यही है कि बाप है उनकी औलाद होती है, औलाद बड़ी हो जाती है उसकी औलाद होती है, माँ बाप मर जाते हैं औलाद उनकी जगह ले लेती है, जो औलाद है कल तो ये भी मरेगी उसकी औलाद उनकी जगह। ये एक दुनिया की परंपरा हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले खुदा जाने कितने अंबिया अल्लाह ने भेजे हैं इंसानों की हिदायत के लिए। जो बड़े हैं उनकी हिदायत के लिए, बड़ों के जाने के बाद जो उनकी जगह उनकी नस्ल ले रही है उनकी हिफाजत के लिए, दीन और ईमान की बका के लिए। अल्लाह की सुन्नत ये थी कि नबी चराग़े तौहीद को जलाता था। जो जिंदा लोग थे उसके हाथ को अपने हाथ में लेते थे, ईमान लाते थे। नबी चला गया, उसकी दी हुई अमानत को बढ़ाया। जो चार पांच सात आठ दस नस्लें हिफाजत करती रही, यहां तक के अहल चले गए ना अहल आ गए। अमानत रखने वाले लोग चले गए, खयानत करने वाले आ गए। वो चला के तौहीद भूल गया, अल्लाह ने दूसरा नबी भेज दिया, उसके भी कुछ मानने वाले पैदा हुए। उन्होंने अमानत तौहीद को अपने सीनों में उतारा। फिर वही परंपरा दो चार दस नस्लों के बाद चला है तो ही बुझ गया, अल्लाह ने तीसरा नबी भेज दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे अल्लाह के नबी। हमारे मैं अंबिया को खत्म कर सिलसिले नबुव्वत मेरे ऊपर फरमाए, अब मेरे बाद कयामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। सवाल पैदा होता है कि वो सिलसिले नबुव्वत जो चराग़े तौहीद को जलाने वाला था वो सिलसिला तो खत्म हो गया, अब वो दीन बाकी कैसे रहेगा और चराग़े तौहीद जलती कैसे रहेगी। लेकिन नबी ये फरमाता है कि जिस दिन अब चराग़े तौहीद बुझेगा तो अब तक की सुन्नत तो ये थी कि अल्लाह किसी नबी को पैदा करना देते थे, अब नबुव्वत का दरवाजा बंद है। अब जिस दिन चराग़े तौहीद बुझेगा और इस रूपे जमीन पर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा, उस दिन कयामत कायम होगी। तो ये सवाल पैदा
होता है कि अब ये चला के तौहीद जलता कैसे रहे, बुझने न पाए। अगर बुझ गया तो कोई नदी को आने वाला नहीं। इसलिए हमारे नमाज पढ़ने को कहता है, रोजा रखने को कहता है, हज करने को कहता है, ज़कात देने को कहता है, ये तो बड़े लोगों के लिए है। बच्चों की इस्लामी तरबियत के लिए इस्लाम कितना जरूरी है, एक मसला है। ये पैदा होता है सवाल के आने वाली नस्ल दीन और ईमान पर साबित कदम है, बारे में क्या और क्या का मसला है। आपने जो अभी बच्चे हैं या जवान हो गए हैं, शादी नहीं हुई, उनके लिए भी मसला है। जिनकी शादी हो गई और औलाद पाए, उनके लिए भी मसला है कि औलाद की तरबियत के बारे में इस्लाम की तालीमात क्या। हर एक के लिए यह मसला है। मैं बहुत देखता हूँ सफर के पता नहीं चलता कि मुसलमान कौन है। जवान है तो पता नहीं है, देर काल को पता नहीं, बच्चे हैं तो पता नहीं, मालूम नहीं होता है मुसलमान है वाकई मुसलमान है कि मुसलमान नहीं है। तो इस्लाम की तालीमात आने वाली नस्लों के अंदर इस्लाम के बका हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, बाप के ऊपर, मां के ऊपर, आप पर, आपके भाई बहनों के ऊपर, माओ के ऊपर, ये जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? इस्लाम ने तालीमात क्या दी है? ये मजबूत तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने तो मैं कहता हूं सबसे ज्यादा इस तरफ ध्यान इस्लाम ने दिया है और इस्लाम को देना ही चाहिए। अल्लाह के नबी ने दिया है और आपको देना ही चाहिए था। इसलिए कि अल्लाह का दीन जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, आज से पहले अगर वो बुनियाद पहली उम्मतें तो नाकाम होती रही। अगर 1000 नबी मान लीजिए पैदा हुए तो उनकी 1000 उम्मतें चला के तौहीद को जलाए रखने में सब किस्म नाकाम, वरना अगले नबी को भेजा ही ना जाता। सवाल पैदा होता है कि 1400 साल गुजर गए और कब नया बनाएंगे हमारे जला के तौहीद कैसे जल रहा है और इसके जलाए रखने में अल्लाह के नबी ने क्या सबक दिया है। मुसलमान को वो सबक याद रखना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी संजीदगी और एहतमाम से इस मसले को दिया है, मैं नहीं समझता किसी और दीन ने। बच्चों की पैदाइश से पहले अभी वजूद भी नहीं हुआ है, अल्लाह का नबी ये चाहता है कि मेरा दीन बाकी रहे, मेरी उम्मत जला के तौहीद को भूल ना होने दे। सहाबी से फरमाता है कि देखो दुनिया के अंदर लोग अपनी रफीकाए
बुनियाद पर, नजर की बुनियाद पर, शोहरत की बुनियाद पर। और ये ऐसी चीजें भी तो समझाने की जरूरत नहीं है। आदमी अपनी रफी है कबूल करता है कि इनकी बुनियादों में से कोई मसूलियत बुनियाद होती है, या तो हुस्न जमाल है या माल और दौलत है। अगर मैं इस घर का फर्ज बन गया, मेरी शादी हो गई, तो मेरी बीवी दौलत लेकर मेरे घर आएगी। फरमाते हैं तीसरी वजह है शोहरत और हसब। ये खानदान बड़ा Oh.
तुम्हारी लड़की से था सीधी की हिलना उसके अंदर पानी मिला दे। तो लड़की ने जवाब दिया, ये पाप मुझसे करवा ले, अला तकाफी ना उमर। उमर जैसे आदिल बादशाह का खौफ आपके जिंद नहीं है। तो मां ने कहा, ला जलाना उमर, हमें उमर की देख थोड़ी रहा है। जो बेटी ने कहा, इन ला जलाना उमर तो सरम को रुमा रह रहा, अगर उमर नहीं देखा, उमर का अल्लाह तो देख रहा है। मसला खत्म हो गया, ना कोई घर वाला जानता है कौन सुन रहा है, ना बाहर वाला ये जानता है कि कौन है अंदर। अपने घर चले गए। सुबह को जब लोग आए तो पूछा कि देखो फना फना सड़क के ऊपर ऐसा ऐसा घर है, जाओ जाकर के देखो कौन रहता है उसके अंदर। तुरंत लोग गए और जाकर के देखा तो आज कहा है मेरे को नहीं देख औरत है कोई बच्चे की है, गांव की गरीब की आंखें बस गई है, यहाँ टूटा फूटा मकान है, एक लड़की है उसकी और एक जानवर है, उसी जानवर पर उनका गुजारा होता है। आपने फरमाया कि मेरे लड़के का रिश्ता उस लड़की से लेकर किया हुआ, कुछ पता नहीं कि वो लड़की काली है गोरी है अंधी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तस्लीम बकरी तैयार
ये सबक है मोमिन को तेरी नस्ल कैसे भी हो ईमान के ऊपर साबित होती रहे। ये सोचना चाहिए क्या फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हदीस के अंदर आता है जब अपनी बीवी के पास जा तो ये दुआ कर अल्लाह से भीख मांग ऐ परवरदिगार मुझे और मेरी बीवी को शैतान से बचा और ऐ परवरदिगार अगर आप मुझे औलाद देना पसंद करें और इरादा है आपकी मशीयत है तो ऐ परवरदिगार मेरी औलाद को भी शैतान से मांग नबी करीम अलैहिस्सलाम हदीस में उम्मत को सबक कि जब बीवी के पास जा तो ये दुआ कर कि ऐ अल्लाह हम दोनों को शैतान से अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबी शैतान हमारा सत्तर ऐ परवरदिगार मुझे और मेरी बीवी को शैतान से महफूज करना और अगर तेरी मशीयत और इरादा के लिए अपने अल्लाह से दुआ करो इसलिए कि हर शर का मरकज शैतान है ऐ अल्लाह शैतान से हिफाजत करो चलिए दुआ भी मांग ली अल्लाह ने औलाद दे भी दी अब क्या है अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले औलाद पैदा हुई तो इसके दाहिने कान में अजान बाएं कान में तकबीर पढ़ो अजान का अल्लाह अकबर अल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय अला सलाह हय अला सलाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह हर दीन की अल्लाह के नबी हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह जिस नबी की उम्मत है अशहदु अन्न आदम रसूलुल्लाह अशहदु अन्न नूह रसूलुल्लाह अशहदु अन्न इब्राहिम रसूलुल्लाह हर नबी की उम्मत अपने नबी की गवाही दे कि वो अल्लाह का रसूल है जो दुनिया के अंदर बेहतर से बेहतर कल कयामत के दिन नजात पाने का अकीदा है सबसे पहले बच्चे के कान में उस अकीदे की आवाज जानी चाहिए आज डॉक्टर ये कहते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो न उसे नजर आता है पहले न वो सुनता है हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अजान दो डॉक्टर क्या कहते हैं हम नहीं जानते सुनता है नहीं सुनता ये भी हम नहीं जानते लेकिन हमारा एक ईमान है कि अल्लाह का नबी जो देगा वो फायदे से खाली नहीं है अच्छा क्यों दे रहा है क्यों डालो इसके काम में अल्लाह हो अकबर की आवाज क्यों कहो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद क्या है और क्यों कहो कि नमाज अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान है अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह ईमान है सहाबी कह रहा है या रसूलुल्लाह अय्यु शय्इन अहब्बु इलल्लाह तबारक व तआला बाद अल ईमान बिल्लाह
नमाज को अपने वक्त में पढ़ लेना, पांच नमाजों को अपने अपने वक्त में पढ़ना, ईमान के बाद ये सबसे ज्यादा अल्लाह को पढ़ो है, वही इस बच्चे के कान में डालो आएगा। क्यों है फिर अजान के बाद तकबीर आए तो सदा
चलिए इस मरहले से भी आगे बढ़ो। अब आप देखिए ये बच्चा आगे बढ़ गया, अकीदे से भी आगे बढ़ा, बोलने लगा तो सबसे पहले इसको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा दिया। अब नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मुरु औलादकुम बिस्सलाति बिसबहि वअद्रिबूहुम अलैहा बिअशरि वफर्रिकू बैनहुम फिल मदारिज। जब तुम्हारी औलाद आए बाप और आए माँ, जब तुम्हारी औलाद 7 साल को पहुंचे, अभी बालिग नहीं है, उस पर नमाज रोजा फर्ज नहीं है, फरमाते हैं जब बच्चा या बच्ची 7 साल की हो जाए अगरचे नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन अल्लाह का मतलब है जब 7 साल का बच्चा हो जाए वुजू करना सिखलाओ। नमाज तो बगैर कपड़े और जिस्म की तहारत के नहीं होती, इसका मतलब है जब 7 साल की उम्र में बच्चा बच्ची पहुंचे उसे कपड़ों को पाक रखने और जिस्म को पाक रखने का सलीका सिखलाओ। नमाज तो बगैर सूरह फातिहा के नहीं होगी, इसका मतलब है जब 7 साल का बच्चा हो जाए सूरह फातिहा याद करा दो, कुरान की कुछ सूरत याद करा दो, नमाज पढ़ने का सलीका पैदा क्या मतलब है। जब बाप जाए मस्जिद में अजान सुनकर 7 साल के बच्चे की उंगली पकड़ करके खुदा के दर से हाथ, जब माँ नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो 7 साल की बच्ची को वुजू करा के अपने बहनों में नमाज के लिए पढ़ाते, क्यों? ये हुक्म अल्लाह के लिए भी है, माँ के लिए भी है, बाप के लिए भी है। मुसलमान कहाँ है, रसूलुल्लाह क्यों ये तालीम दे रहा है, कितना संजीदा है अपनी उम्मत के लिए, इतनी ताकीद कर रहा है, आखिर ये उम्मत सिराते मुस्तकीम पर कायम कैसे रहे, कयामत तक चले भी कैसे, उसका भी एक निर्माण है। इसलिए हर जगह हुक्म दे रहा है, फरमाते हैं 7 साल की उम्र हो तो अपने बच्चे को नमाज के लिए तैयार कर दो, खुदा के इस घर से आगना करो, अगर आज से नहीं करोगे तो कल जवान होगा खुदा के इस घर पर रुकने करेगी। और मुसलमान देखें जिन्होंने बचपन से अल्लाह के नबी के दिए हुए प्रोग्राम पर अमल नहीं किया, उनके औलाद जवान हो चुके भी सुनने के बावजूद के मौजूद 5 मरतबा अल्लाह को उत्तर भी निकाल देता है, खुदा के घर की तरफ रुख नहीं करते। ये माँ बाप की बहुदूरी है, अगर वो अल्लाह के नबी के लिए हुए इस प्रोग्राम पर चलते और बचपन से उंगली पकड़ कर खुदा की इस बात से आत्मा करते, जवानी के कोई वजह नहीं कि वो दूर रह जाता। अरे बच्चे मुसलमान, मैं कहता हूं मैं एक मरतबा जा रहा था दिल्ली से देवबंद, मेरे साथ दिल्ली के मुस्लिम साथी थे, मरहूम मौलाना महबूब रहमान साहब, मेरठ के बाईपास के ऊपर 2 मस्जिदें पड़ती, एक मस्जिद में मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, हम ठहरे मंदिर के बाहर, जाते ही मैंने देखा कि मस्जिद के बाहर एक जनाजा रखा हुआ है, हम अंदर गए, हम बावजूद थे लेकिन फिर जाते ही हमारे सलाम फिर गया, सलाम में जगह थी, हमने वहाँ मुसल्ला बिछाया जमा कर दी, लोग आते रहे और जनाजे के पीछे पड़े किबले की तरफ हाईवे चल रहा है, उसके किनारे 10-15
पूरण की सिद्ध में 15-20 जवान लड़के बैठे हैं, उनका धर्मी यहां देख रहा है, और बीच में 20-40 आदमी है जो नमाज नमाजा पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं। थोड़ी देर में किसी कब एक इजाजत हो कोई बोला नहीं, तो उसने जरा सा और लड़के ने सबसे भाई इजाजत हो, फिर कोई नहीं बोला, तो तीसरी मंत्रा Oh!
जुम्मा की नमाज पढ़ते थे और नई नमाज पढ़ती थी सफा दिया। आपने फरमाया खैर सुकूत के रिजाल की अकबर वो शर हुआ आगे हुआ वो खैर सुकूत के रिजाल आगे हुआ वो शर हुआ अव्वल हुआ। फरमाया मर्दों की सबसे बेहतरीन सब नमाज के अंदर सबसे पहली सब ईमान के अंदर क्यों क्योंकि तरतीब ये है इस्लामी के पहले मर्दों की सफे होगी बाद में औरतों की। फरमाते मर्दों की सबसे बेहतरीन सब पहली सफे के औरतों से भी है। फरमाया सबसे खराब सब मर्दों की आखिरी सफे भी औरतों से नहीं है। फरमाया औरतों की सबसे बेहतरीन सब क्या मतलब उमूलियत क्या कहते हो
वो आजकल इस तरह
काम कर रहे हैं उसके अंदर, वो उनसे कहने लगे कि मैंने यहाँ है लंदन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े प्रोफेसर थे, मुझे भी उसके अंदर बुलाया गया, मैं भी उसके अंदर पहुंच गया और वो कॉन्फ्रेंस की फंडामेंटलिज्म बुनियाद परस्त थी। अब बुनियाद परस्त का मतलब क्या है ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप दो चार शब्दों के पास समझ लेंगे क्या था। पहले के सुबह से शाम तक जो तकलीफ करने वाले थे कोई ये था कि आज दुनिया को जिस इस्लाम